आजकल रोज सुबह पेट साफ ना होना एक आम समस्या है। इस समस्या से बच्चे, जवान और बुजुर्ग सभी पीड़ित हैं। तो आइए सीखते हैं एक नई आदत, जिस आदत के रोज अभ्यास से आपके शरीर में अनेक परिवर्तन आएंगे और आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिलेगा। नमस्कार, मैं अर्चना आप सभी का स्वागत करती हूँ योग सेतु पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में कोई भी बीमारी टॉक्सिन्स के कारण होती है और वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर में हमारे आहार और रोज सुबह खुल के मोशन ना होने के कारण होता है। यदि सुबह आपको खुलकर मोशन नहीं होते, कभी कभी होते ही नहीं और कभी कभी एक दो दिन में होते हैं, तो यह समस्या धीरे धीरे आपके शरीर में बहुत प्रकार के टॉक्सिन्स इकट्ठा होने लगते हैं और जब ये टॉक्सिन्स धीरे धीरे बढ़ जाते हैं तो आपको अनेकों समस्याएं होने लगती हैं। इसमें मोटापा, गैस होना, अम्ल बनना और भी अनेक समस्या, सर दर्द की समस्या। अगर यह समस्या लंबे समय तक बने रहे तो आपको अनेक गंभीर बीमारियां होने की आशंका रहती है, जैसे बवासीर, कैंसर इत्यादि। चलें जानते हैं ऐसा होता क्यों है। जब हम कोई भी भोजन अपने मुंह से लेते हैं तो वह ईसोफेगस द्वारा हमारे स्टमक में जाता है और स्टमक में कुछ देर रहता है। वहाँ पर बहुत से एंजाइम्स और एसिड उसके साथ मिलकर एक मिक्सचर बनाते हैं और वह मिक्सचर आपके स्टमक से एक वॉल्व, एक गेट खुलने के बाद छोटी इंटेस्टाइन्स में जाता है, जहाँ पे सारा प्रोसेस होता है, अवशोषण होता है न्यूट्रिएंट्स का, मिनरल्स का और ऐसे पोषक तत्वों का जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। यह प्रोसेस हो जाने के बाद एक और वॉल्व खुलता है और जो भी वेस्ट होता है, जो भी ऐसा प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है, यानी कि वेस्ट है, वो छोटी आंत से बड़ी आंत में चला जाता है। बड़ी आंत भी क्या करती है, वहाँ पर वाटर का अवशोषण करती है और बाकी का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो धीरे धीरे आपका आपके रेक्टम में आता है और एनस पार्ट से बाहर निकल आता है। इस प्रकार से आपको रोज मोशन होते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हमें खुलकर मोशन नहीं होते तो वही आपका वेस्ट मटेरियल आपके बड़ी आंत में ही रह जाता है। होने के कारण कॉन्स्टिपेशन, सर दर्द और पेट में दर्द जैसी समस्याएं होने लगती हैं, गैस उत्पन्न होती है और जो चीज़ें वह जो हमारी आंतें अवशोषित करती हैं वही धीरे धीरे हमारे ब्लड में जाता है। तो सोच लीजिए, सुबह खुलकर आपको मोशन नहीं हो रहे हैं, उससे आपके पूरे शरीर पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। उससे आपका सर दर्द होने लगेगा, गैस बनने लगेगी, वही गैस आपके ब्लड में मिलने लगेगी, जिसके कारण आपको शरीर में अलग अलग पार्ट्स पर पेन होने लगेगा। और अगर यही प्रोसेस लंबे समय तक बना रहे तो धीरे धीरे आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन सब इससे प्रभावित होने लगेंगी। साथ ही साथ आपका हार्ट, आपका लीवर, आपकी किडनी सभी इससे प्रभावित होंगी और यही बहुत से लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स का कारण है, क्योंकि हम अपने आहार और अपने मोशन पे ध्यान नहीं देते, हम अवेयर नहीं रहते कि हमें खुलकर मोशन नहीं हो रहे हैं और धीरे धीरे ये गंभीर समस्या बन जाती है। तो घबराइए मत, आज मैं आपके सामने शेयर करूंगी एक ऐसी आदत जिसके रोज अभ्यास से आपके शरीर में अनेक परिवर्तन आएंगे। पर यह आदत केवल उनके लिए नहीं है जिनके पेट में समस्या है या जिन्हें खुलकर मोशन नहीं होते, यह आदत हर किसी के लिए है। यदि अभी आपकी उम्र कम है और आपका डाइजेशन सिस्टम अच्छा है पर समय के साथ साथ उसमें कमियां भी आने लग जाती हैं, तो यह आदत हर कोई, बच्चे से लेकर बूढ़े तक,
सबको करनी चाहिए। चलें सीखते हैं वो आदत। आपको रोज सुबह उठकर चाय, कॉफी या बैटरी नहीं लेनी है। उसके स्थान पर आपको रोज सुबह 2 से 3 ग्लास पानी गुनगुना कर पीना है। 2 से 3 ग्लास पानी पीने के बाद 5 आसन करने हैं अपनी क्षमता के अनुसार। चलिए सीखते हैं वो आदत जिसके अभ्यास से आपके शरीर में अनेकों परिवर्तन आएंगे। सुबह बेड से उठकर आपको 2 से 3 ग्लास पानी गर्म करना है। गर्म अर्थात गुनगुना करना है जो पानी आप पी सकें। पानी गुनगुना होने के पश्चात इस प्रकार काग आसन में बैठ जाएं। यदि आपको इस अवस्था में बैठने में परेशानी है तो आप इस प्रकार भी बैठ सकते हैं या आप किसी स्टूल पर या बेड पर बैठ सकते हैं। ध्यान रहे कि पानी बैठकर पिएं। इस प्रकार बैठने से आपके इंटेस्टाइन पर प्रभाव पड़ता है तथा इस आसन में बैठने से आपका प्रेशर दोनों इंटेस्टाइन्स लार्ज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन्स पर पड़ता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं वह पहले हमारे स्टमक में जाता है और अलग अलग भोजन के अनुसार वह कुछ देर हमारे स्टमक में रहता है, लेकिन पानी हमारे स्टमक में ज़्यादा देर नहीं रहता। वह 10 मिनट हमारे स्टमक में रहता है और उसके बाद छोटी आंत से होता हुआ बड़ी आंत में चला जाता है और अपने साथ सारा वेस्ट मटेरियल लेके बाहर निकल जाता है। पानी पिए और उसके बाद खड़े होकर 5 आसनों का हम अभ्यास करेंगे। आसन के लिए दोनों हाथों को इस प्रकार ग्रिप करें, श्वास भरते हुए हाथों को उठाएं और पंजे भी उठा दें। ध्यान रहे कि यदि आपके पैरों या एड़ी में पेन रहता है तो एड़ियां ना उठाएं, लेकिन खिंचाव अच्छे से ऊपर की तरफ दें ताकि स्टमक से पानी आपके इंटेस्टाइन में जाएगा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे और इसी आसन को एक बार फिर से दोहराएं। इस आसन को आप 2 से 3 बार या 4 बार दोहरा सकते हैं। उसके बाद अगले आसन के लिए खुद को तैयार करेंगे। हाथों को इसी प्रकार गिफ्ट कर लें, श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आपको पहले लेफ्ट साइड, फिर श्वास भरते हुए सेंटर में आएंगे और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड जाना है। इस प्रकार दोनों साइड आपको बराबर करना है, ठीक है। यह क्रिया के दौरान आपके शरीर में जो वाटर है जो आपके इंटेस्टाइन में गया है, धीरे धीरे सभी टॉक्सिन्स निकलने लगेंगे। तिर्यक ताड़ आसन के बाद अगला आसन हम करेंगे कटी चक्र आसन या कटी चक्र क्रिया। इस दौरान आपको श्वास भरनी है और श्वास छोड़ते हुए जितना हो सके पीछे ट्विस्ट करना है, फिर से श्वास भरते हुए सेंटर में आना है और श्वास भरते हुए छोड़ते हुए दूसरी साइड जाना है। इस प्रकार आप 2 से 3 बार करें। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इन क्रियाओं से हमारी जो इंटेस्टाइन है उन पर खिंचाव पड़ता है, जो हमारी बाउल एक्टिविटी है वो अच्छे से होने लगती है और हमारे शरीर से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बड़ी इंटेस्टाइन में जाने के लिए तैयार हो जाता है। अब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल जब ओपन हो जाए उसके बाद हम अगले आसन को करेंगे और यह वाटर जो हमने पिया है वो धीरे धीरे हमारे बड़ी इंटेस्टाइन में चला जाएगा। इस प्रकार से आप लेट जाएं, पैरों में आप गैप बढ़ा लें। अगला आसन हम करेंगे तिर्यक भुजंग आसन। श्वास भरते हुए आप ऊपर उठेंगे और श्वास छोड़ते हुए आपको लेफ्ट साइड देखना है और लेफ्ट साइड से राइट टो को देखने की कोशिश करनी है। फिर से श्वास भर के सेंटर में आए और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड से लेफ्ट टो को देखने की कोशिश करें। यह क्रिया 2 से 3 बार कर लेंगे। यह क्रिया होने के पश्चात
अब एक और आसन करेंगे जिसको हम कहते हैं उद्राकर्षण आसन। इस प्रकार बैठ जाएं, श्वास भरते हुए अपने पैर को लेफ्ट साइड लेके जाएं और गर्दन को राइट साइड लेके जाएं। इसी प्रकार श्वास भरते हुए सेंटर में आएं और फिर से अपने लेफ्ट लेग को राइट साइड लेके जाएं और गर्दन को लेफ्ट साइड लेके जाएं। इस प्रकार इस क्रिया को 2 से 3 बार करें। इन सभी आसन को करते समय ध्यान दें कि आप पहले लेफ्ट साइड कोई भी आसन को करें, जैसे जो भी बैंडिंग आप कर रहे हैं, लेटरल बैंडिंग या फिर ट्विस्टिंग जो भी हम दे रहे हैं, वो पहले लेफ्ट साइड दें, ताकि हम देखते हैं जो हमारा रेक्टम पार्ट है वो राइट साइड में होता है, और जो हम लेफ्ट साइड से प्रेस करते हैं तो जो प्रेशर है वो धीरे धीरे राइट साइड को होगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकलने में आसानी होगी। यह क्रिया करने के पश्चात आपको मोशन का अनुभव होगा, तो आप नेचर कॉल के लिए जा सकते हैं। इस आदत को अपने जीवन में अपनाएं और अनेकों लाभ पाएं। साथ ही कुछ चीज़ों का ध्यान दें, जैसे हो सकता है कि कुछ लोगों से सभी आसन ना हो, हर किसी की अपनी अपनी क्षमता होती है। यदि आप खड़े होकर आसन नहीं कर सकते तो आप यही आसन को आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जैसे ताड़ासन की स्थिति आप बेड पे बैठे बैठे भी बना सकते हैं। साथ ही जो लेटरल बेंडिंग है वो भी आप बैठे बैठे दे सकते हैं, और जो ट्विस्टिंग है वो भी आप बैठे बैठे दे सकते हैं। तो यदि आप स्वस्थ हैं और आप खड़े होकर सभी आसन कर सकते हैं तो सभी आसन करें, और यदि आपसे बैठ के भी आसन नहीं हो पा रहे हैं और आप खड़े होकर भी ये आसन नहीं कर सकते हैं बिकॉज आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है, तो आप पानी पीने की आदत को तो अपने जीवन में डाल ही लें। इसे आपके शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकलने से आपके शरीर स्वस्थ हो जाता है। तो आते रहेंगे नई वीडियो के साथ, और आपको ऐसी शरीर के प्रति अवेयर करने वाली अनेकों वीडियोस हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि आप अपना फीडबैक या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तब तक के लिए योग करते रहें और निरोग रहें। धन्यवाद।